एक 65 वर्षीय महिला जिनका जीवन बहुत ही उथल पुथल से भरा रहा। उन्होंने 2 विवाह किए। उनके पहले पति के साथ उनके रिश्ते बहुत ही टॉक्सिक थे, जिसकी वजह से सिर्फ 5 वर्ष के अंदर उन्होंने अपने पहले पति से तलाक लिया और कुछ वर्ष बाद उन्होंने अपने दूसरे पति से प्रेम विवाह किया। उनका पहला विवाह बहुत ही मुश्किलों भरा था। वो बताती हैं कि उस समय के हिसाब से उनके माता पिता ने बहुत बड़ा दहेज दिया था उनके विवाह में, लेकिन इनके बावजूद जो उनके हस्बैंड थे, न सिर्फ वो धन के लालची थे बल्कि वो किसी भी सीमा तक जा सकते थे। वो कहते हैं कि मुझे उनके साथ रहते इतना डर लगता था कि किसी दिन शायद वो मुझे जला भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत ही मुश्किलों भरा रिश्ता था। कैसे तैसे इस विवाह में उन्होंने अपने 5 वर्ष गुजारे और अपने पहले विवाह से उनको एक बेटी भी थी। और उस समय पर, जबकि उस समय का समाज इतना मैच्योर नहीं था, उस समय पर महिलाएं जॉब करें या ये सब कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसे में भी, और उस समय तो तलाक लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया और उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया उनके जो सेकेंड पति से। उनके साथ उनका रिश्ता बहुत प्यारा था। दूसरे विवाह से उनका एक बेटा भी है। दूसरा विवाह इनका बहुत प्यार भरा रहा और एक अच्छा जीवन उन्होंने गुजारा, लेकिन 2 वर्ष पहले उनके पति का स्वर्गवास हो गया और अपने पति के जाने के दर्द को वो अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष हो चुके हैं लेकिन मेरे मन में यादें ऐसे ताज़ा हैं जैसे कि 2 दिन ही हुए हों, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ भी बिल्कुल ऑल ऑफ सडन हुई। पूरी तरह से स्वस्थ थे, अचानक ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चले गए। अब हम इन पर आते हैं। अब मैं सीधा मुख्य बिंदु पर आऊंगी। मैं अपने सामने 2 चमकते हुए सितारों को देख रही हूं। मुझे लग रहा है ये मेरे अपने हैं, मेरा इनसे कुछ नाता है, लेकिन वो मुझसे दूर हैं, धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बस मुझे महसूस हो रहा है कि वो दोनों सितारे मेरे करीब आ रहे हैं, और जैसे जैसे वो मेरे करीब आते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वो मानवीय रूप लेते जा रहे हैं। मैं सिर्फ उनके कमर के ऊपर का हिस्सा देख सकती हूँ, मैं जैसे उनके आर पार देख सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इनकी आंखें ही स्पष्ट देख पा रही हूँ, सिर्फ आंखें, बाकी तो जैसे बस छाया मात्र है। मैं इन्हें पहचान सकती हूँ, ये मेरे दोनों पति हैं, मेरे पहले पति समीर और मेरे दूसरे पति आकाश। मैं इन दोनों के ही रूप को अपने सामने देख पा रही हूँ। समीर मुझे पहले की तरह कठोर महसूस नहीं हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व है, जिसे मैं जानती थी उससे बिल्कुल जुदा। इंदिरा जी का अपने पहले पति समीर और दूसरे पति आकाश दोनों से ही एक बहुत गहरा कार्मिक अकाउंट था। उनके दूसरे पति आकाश उनके आत्मिक साथी थे जिनके साथ वो पहले कई कई जीवन गुजार चुकी हैं, लेकिन उनके पहले पति समीर वो उनकी सोल फैमिली का हिस्सा भी नहीं है, वो उनके आत्मिक ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, वो किसी और ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी इंदिरा जी के जीवन में आए। ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा जी ने एक बहुत ही दबा कुचला जीवन जिया था, उनके पास्ट बर्थ में भी और उनके इस वर्तमान जीवन में भी। जो उनका बचपन और टीनेज रहा वो बहुत ज़्यादा दबा कुचला था। उनकी परवरिश कुछ इस तरह से हुई थी कि उन्होंने ये सीखा ही नहीं
कि अपने विषय में भी सोचना चाहिए। आप अपने जीवन को खुद शेप देते हैं, इसकी जिम्मेवारी किसी और पर नहीं है। लेकिन इसके विपरीत इंदिरा जी का कुछ पालन पोषण ऐसे हुआ था, कुछ जीवन के प्रति उनका नज़रिया ऐसा था, कुछ उनके पास्ट बर्थ के संस्कार थे जिन्होंने हमेशा उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट होना सिखाया, अपने जीवन में होने वाली हर गलत घटना के लिए किसी और पर उंगली उठाना और स्टैंड ना लेना ये सिखाया। ये उनके संस्कारों का एक बहुत पावरफुल भाग था और इतना पावरफुल था कि इसके वजह से जो हमें इस धरती पर एक मानव के रूप में जीवन मिलता है, अगर ये चीज़ निकाल दी जाए कि हम सही और गलत की पहचान करके अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी एक अलग व्यक्तित्व पहचान रखते हैं, हमारे डिसीज़न हमारे स्वतंत्र कर्मों का हिस्सा होते हैं जो हमारे ज़िंदगी को शेप देते हैं और इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। लेकिन जब आप ये अपने इस क्वालिटी को भूल जाते हैं तो जैसे एक जीव, एक जैसे एक जानवर जिसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है, इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है, वो हर चीज़ के लिए सामने वाले की तरफ देखता है, उसे लगता है कि सामने वाला ही मेरे लिए कुछ करेगा। जैसे एक जानवर भी भोजन के लिए इंसान की तरफ देखता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद स्वयं तो सक्षम नहीं है उगाने में। कुछ इस तरह का व्यक्तित्व था इंदिरा जी का, हर चीज़ के लिए सामने देखना, जैसे खुद वो कुछ कर सकने में सक्षम ही ना हो। इसीलिए सोल प्लानिंग में जब उनके इस जीवन की रूपरेखा रची गई, उस समय इंदिरा जी ने समीर के साथ और समीर ने उनके जीवन में आने का फैसला लिया, क्योंकि समीर के अंदर भी ये बहुत एक पावरफुल संस्कार था जो कि गलत था, कि वो सामने वाले को बहुत अननेसेसरी दबाना, उसको अपने कंट्रोल में रखकर उसको चलाना, ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। और इसके बिल्कुल विपरीत इंदिरा जी का संस्कार था किसी के कंट्रोल में आ जाना, बड़ी ही सफाई से खुशी खुशी अपने आप को सरेंडर कर देना। ये दोनों ही व्यक्तित्व एक्सट्रीम में थे, जो कोई भी चीज़ अच्छी भी हो तो एक्सट्रीम में हो तो गलत हो जाती है, ये समीर और इंदिरा जी के मामले में था। इसलिए इन दोनों का एक दूसरे की लाइफ में आना ज़रूरी था, ये इनके खुद का डिसीज़न था कि ये एक दूसरे की लाइफ में आएंगे और एक पावरफुल रोल प्ले करेंगे। ये तो खुशकिस्मती थी कि इंदिरा जी की, कि वो बहुत जल्दी अपने लाइफ लेसन को अचीव करने की स्थिति में पहुंच गई, इसलिए 5 वर्ष के अंदर अंदर समीर जी उनके जीवन से चले गए। और इस शादी से समीर जी ने भी सीखा कि किस तरीके से जीवन में कड़वाहट घुल जाती है जब आप सामने वाले पर अननेसेसरी कंट्रोल करते हैं, उसकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ आकाश जी के साथ जो इंदिरा जी का जीवन रहा, वो जो चीज़ उनके जीवन में गलत थी, जिसके समीर जब उनके जीवन में आया तो वो टारगेट हुई कि परिवर्तन करो, कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे जब आपका वेट बहुत बढ़ता जाता है, फिर एक दिन अचानक आपको हार्ट अटैक आता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब तक आप जो सालों साल अपने वेट को इग्नोर किए जा रहे थे, अब आप नहीं कर सकते, अब आपको कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है, आप चाहें ना चाहें आपको अपने वेट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो। ऐसा ही इंदिरा जी के साथ हुआ जब समीर जी उनके जीवन में आए और एक दूसरे से उन दोनों के संस्कार टकराए, तब इंदिरा जी की समझ में आया कि अब तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, अब नहीं तो कब। और तब जाके इंदिरा जी ने अपने लिए स्टैंड लिया और उस वक्त में अपनी बच्ची को लेकर अलग होने का फैसला लिया, जो कि बहुत बड़ा फैसला था। और फिर आकाश जी उनके जीवन में आए, जिन्होंने जो इनका संस्कार जिस पर उन्होंने चलना शुरू किया, उस पर वो चलती चले हैं, उस पर वो पीछे मुड़ के ना देखें, वो रुके ना, वो चलती चले। एक मोटिवेशन मिलती है ना, एक हिम्मत मिलती है, आपके साथ एक ऐसा पार्टनर है जो आपको, अगर आप सही बात पर चल रहे हैं, अपने संस्कार में परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए जैसे आप वेट लॉस की जर्नी पर हैं, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, वो कहते कोई बात नहीं, तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम अगर हेल्दी फूड खा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के हेल्दी फूड खाऊंगा।
ये दो लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं जर्नी को आगे बढ़ाने में। ऐसे ही जो संस्कार पे जीत हासिल करनी ही पड़ेगी, ये इंदिरा जी ने समीर के साथ रहते रहते सीखा, आकाश के साथ रहते रहते उन्होंने सीखा कि उस पर कंटिन्यू चलना है, काम करना है, अंत तक पहुंचना है, अचीव करना है, फिनिश करना है एक गलत संस्कार को। ये जो मोटिवेशन था उनको आकाश जी से मिला, और आकाश जी उनके आत्मिक ग्रुप के मेंबर थे, उनके आत्मिक मित्र थे। इंदिरा जी का PLR यहीं समाप्त होता है। इस PLR में हमारे लिए बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। जब आप उस क्यों पर जाते हैं और उस क्यों के ऊपर काम करते हैं तो सोल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान अभी मैंने दो लाइनों में कह दिया। पहले तो उस क्यों तक पहुंचना एक लंबा मनन चिंतन है। वो मनन चिंतन तो शायद आपका कुछ दिनों या महीनों का हो, लेकिन उसके बाद उस पर चलना ये मेहनत का कार्य है। अब कोई व्यक्ति मोटा हो तो वो तो जानता है ना कि मैं मोटा हूँ, उसमें क्या विशेष बात है। लेकिन जब वो जर्नी पे चल रहा है, उस जर्नी पर कंटिन्यूसली चलना, ये है असली टास्क। बस ऐसे ही हम लोगों की लाइफ में भी जो मुश्किलें आती हैं, पहले तो वो क्यों आई वहाँ तक पहुँचे, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। कुछ मनन चिंतन करेंगे कुछ दिन कुछ महीने, तो एक निष्पक्ष भाव से दोनों पक्षों का, जितने भी पक्ष इन्वॉल्व है सबके बारे में सोचते हुए, तो आप क्यों तक तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्यों से आगे, अब उसको ठीक भी तो करना है ना, यहाँ से असली टास्क शुरू होता है। तो जब हम जीवन की मुश्किलों में फंसते हैं, इस क्यों को समझते हैं और अपना टास्क फॉलो करना शुरू करते हैं, तो सोल्यूशन भी मिलते हैं, ज़िंदगी परिवर्तित भी होती है, और वही लोग होते हैं जिनके आप किससे कहानियाँ सुनते हैं कि क्या मिरेकल कर दिया लाइफ में, कितना परिवर्तन कर दिया लाइफ में, क्या से क्या हो गए। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना या सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। एक